देशवासियों को जागरूक करने का ऐसा जुनून कि केरला से इंदौर आ पहुंचे फैजल। किसी समय में विदेश में रहते थे, लेकिन वहां के लोगों की लाइफस्टाइल देखकर इस बात का पता लगाया कि यही उनकी प्रोग्रेस का राज है। इसीलिए वे चाहते हैं कि भारत के लोग भी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाएं, ताकि हमारा देश भी हर क्षेत्र में विकास कर सके। मेरा नाम फैजल है, मैं केरला से आ रहा हूँ। अभी 400 दिन का एक प्रोग्राम है, मतलब सस्टेनेबल लाइफ ऑन व्हील्स। इसका कैंपेन है सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। अभी मैं 400 दिन में साइकिलिंग करके मेरा टेंट भी है, मेरा सब वो उसमें किधर भी पेट्रोल पम्प में हो जाएगा, सब प्लान है मेरा। और यूनेस्को साइट भी कवर करना है मेरे को। अभी पूरा 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी कवर करना है। मैं NRI था पहले, यूए में था मैंने। तो कोरोना के टाइम में जॉब लॉस्ट होके मैं केरला में वापस आ गया। वो टाइम में मैं उधर का लोग है ना, वो सस्टेनेबल के हिसाब से जी रहा है, इसलिए मैं इधर भी कन्वे करना चाहिए वो सस्टेनेबल से। ओके, इसलिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये कर रहा है, वो कोलाबरेशन विद इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, उसके साथ कोलाबरेशन करके ये कर रहे हैं। अभी कितने दिन का और टूर बचा है आपका? 400 दिन का प्लान है, अभी 50 डेज हो गया मेरा। इसके पहले इंदौर घूमे हो? नहीं, फर्स्ट टाइम है। कितने लोग हैं आपके साथ अभी? मैं अकेला है, सोलो राइडर है। मतलब अकेला क्यों आया, अकेला है तो मेरे को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक आदमी भी मेरे साथ हो तो उसके साथ बात करेगा, और आदमी दूसरा आदमी के साथ बात नहीं करेगा, सिर्फ एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा। आज मैं इंदौर में रहना है। इस टूर को और कंफर्टेबल बनाने के लिए फैजल ने अपनी साइकिल पर ही खाना और टेंट बांध रखा है, जिससे कि जब भी जरूरत पड़ने पर वे रात में टेंट लगा लेते हैं और उसी में खाना बनाकर रोड पर ही सो जाते हैं।